अमिताभ जी हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ ही सौरभ शुक्ला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, जल्द आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, जिन तमाम मुद्दों को लेकर आज बेहद बुलंद आवाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता की आवाज बनकर अपनी बात रखी, आपको लगता है वैश्विक तौर से वो गूंज रही है और उसे आज हर देश ने यहां पर सुना है? यही बात उन्होंने समझाई है कि भारत की डाइवर्सिटी ही उसकी एकता का प्रतीक है, भारत की जो विविधता है उसी में भारत की एकता है, यही उन्होंने बताने की कोशिश की। अभी जो आपने उनका बयान सुना, अभी जो स्पीच सुनी है, उसमें साफ साफ कहा है कि हर सौ माइल पे भारत की लैंग्वेज बदल जाती है, हर 100 माइल पर पूरे के पूरे डिशेज बदल जाते हैं। अगर आपको श्रीखंड मिल रहा है तो दूसरी तरफ समोसा मिल जाएगा, अगर संदेश मिल रहा है तो दूसरी तरफ ढोकला मिल जाएगा, अगर डोसा मिल रहा है तो उत्तर में ही तो आलू पराठा मिल जाएगा। और ये बातें यूएस कांग्रेस को बहुत भाई। लेकिन आपने आतंकवाद की बात की, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है आज के प्रधानमंत्री के भाषण में। आतंकवाद को छुआ है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने, चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों मुद्दों को उन्होंने छुआ। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने 9/11 झेला है तो भारत ने 26/11 झेला है और दोनों देश आतंक के शिकार रहे हैं, इसलिए अब आतंक के खिलाफ मुहिम में कोई इफ्स कोई बट्स नहीं लगना चाहिए, कोई इसमें कोई सोचना नहीं चाहिए। अगर आतंक को पनाह देने वाले देश हैं, आतंक को पनाह देने वाले जो भी हैं, उनके खिलाफ सबको मजबूती से कार्रवाई करनी चाहिए, ये संदेश दिया है बिना किसी देश का नाम लिए हुए। और भारत लगातार ये यूनाइटेड नेशन हो चाहे तमाम जगह हो, वो कहता रहा है कि पाकिस्तानी आतंक का प्रमोटर है, पाकिस्तान आतंक को शेल्टर देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो सीधे सीधे व्हाइट हाउस आकर, सीधे सीधे अमेरिकी कांग्रेस में आकर उन सीनेटर्स को कही है, जो उन सांसदों को कही है जो अमेरिकी संसद में पूरी दुनिया के लिए नियम और कानून बनाते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक भारत अमेरिका संबंध की, उन्होंने ये कहा कि हिंद महासागर में बहुत सारे टर्बुलेंसेस थे, बहुत सारी दिक्कतें थीं, लेकिन क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांति बहाल करने वाली ताकत के रूप में उभरा है, यानी भारत अमेरिका संबंध ने इंडो पैसिफिक में भी काफ़ी शांति बरकरार की है। अगर अशांति की बात हुई है, लेकिन इस अशांति में पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे चाइना है, तो बिना नाम लिए हुए दोनों देशों को निशाना जरूर साधा इन्होंने। क्वाड देशों का समूह इसके लिए तैयार हुआ था ताकि चीन के विस्तारवादी नीति को रोका जा सके। सौरभ शुक्ला हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ जी, हम दोनों ही मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं, यानी 26/11 आतंकवाद का मसला और जो चीन के विस्तारवादी नीति को लेकर बयान दिया गया है, लेकिन मुझे दो तस्वीरों के बारे में आपसे फर्क समझना है। अमूमन जो विपक्षी खेमा है या भारत में या किसी भी देश में बैठे हुए जो मोदी के मुरीद नहीं है, उन तस्वीरों को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं अरे ये तो प्रवासी भारतीय हैं, ये अगर सेल्फी नहीं लेंगे, ये जोश नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। लेकिन आज जो यूएस संसद से तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां सारा फर्क ये सारे वीवीआईपी भूल गए और उन्होंने बकायदा ऑटोग्राफ लिया, उन्होंने बकायदा सेल्फी ली और ये दिखाया कि हम पीएम मोदी के मुरीद हैं, ये वैसे लोग थे जो खुद अमेरिका के सांसद हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसी तस्वीरें लेना अपने आप में इकलौती बात है ये। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात है, हर भारतीय को इस बात पर गर्व होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक खाली एक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने देश की छवि को ऊपर बढ़ाया है। और ये जो आप वहाँ पर मैं देख रहा था, मैंने काफ़ी अमेरिकी जो वहाँ की संसद है, कांग्रेस जो सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन पर काफ़ी मेरी पैनी नज़र रही और मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ। और मैं आपको ये बताऊँ कि वहाँ पर जो एक माहौल था वो ऐसा था कि ये एक विश्व नेता हैं जिन्होंने पूरे विश्व में एक शांति दूत की अपनी एक इमेज बनाई है, और एक वो ऐसे नेता है कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो जाहिर बात था कि इतने लोग वहाँ पर जो सांसद थे वो उनके साथ बात करना चाहते थे, उनसे ऑटोग्राफ ले रहे थे, जो उनकी स्पीच थी वो वहाँ पर पहले से बांटी गई थी जो संसद में अमेरिकी कांग्रेस में, उस पर वो ऑटोग्राफ ले रहे थे। और कई लोग, मैं तो ये बताऊँ, मैंने अमेरिकी राजदूत जो भारत में है एरिक गार्सेटी, मैं उनसे बात कर रहा था और वो भी कई जो संसद सदस्य हैं उनकी तस्वीर ले रहे थे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो बड़ा साफ है कि ये जो चीज़ है इस पर एक
पूरा मैसेज जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की साख बनाई है, एक भारत का एक बड़ा रुतबा बढ़ा है विश्व में, और उसी का नतीजा है कि वहाँ पर होड़ लगी थी एक दूसरे से जितने भी वहाँ लोग थे कि हम उसकी प्रधानमंत्री की सेल्फी लें और प्रधानमंत्री के साथ बात करें। तो बहुत बड़ी बात है और भारत के, और ये मैसेज जाता है पूरे विश्व में, क्योंकि देखिए अमेरिका अभी भी एक जैसे विश्व शक्ति है। अमेरिका में जो एक वाशिंगटन डीसी में जिस तरह से राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रधानमंत्री के लिए पूरा एक रेड कारपेट प्लस में कहूँगा जो रोल आउट किया है, उससे पूरे विश्व को एक मैसेज जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की साख को और बढ़ाया है और भारत ये बड़ा संदेश यकीनन गया है आज, और इस संदेश के जरिए जैसा कि आपने कहा भी कि पूरा विश्व जो है इस संदेश को यहाँ पर सुना उन्होंने, इस संदेश को यहाँ पर गौर से समझा भी होगा, वो बुलंद आवाज भी यहाँ पर पहुंची है। अमिताभ सिन्हा जी, सवाल यह है कि अब आगे का जो पूरा कार्यक्रम होगा वो किस तरह का यहाँ रहने वाला है, किस तरह से और बड़ी तस्वीरें फिलहाल निकलकर सामने आएंगी, क्योंकि अभी भी इंतजार है यहाँ पर हिंदुस्तान की साख और मजबूत होती किस कदर दिखाई देगी। देखिए, जितना संदेश देना था दुनिया को दे दिया, अब भारत और अमेरिका के बीच में क्या पकेगा वो कल, अब आज अब सुबह हो चुकी है भारत में, अभी यहाँ रात के 8 बजने वाले हैं मैं आपको बता दूं, और इस डिनर के बाद प्रधानमंत्री तो अब तो मेरे ख्याल से विश्राम करने चले ही जाएंगे, लेकिन कल सुबह उनका पहला कार्यक्रम 10:30 बजे है जब वो व्हाइट हाउस पहुँचेंगे। मैं आपको छोटे से मैं कार्यक्रम बता दूँ, वहाँ इंडो US हाईटेक हैंडशेक इवेंट है, वहाँ पे उद्योगपतियों से बात होगी। हाईटेक मीन्स जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जो बड़े उद्योगपति हैं उन सब के साथ वहाँ पर लंबी चर्चा होने की बात हो रही है, और दूसरी वन टू वन मीटिंग्स भी है उसकी। उसके बाद दोपहर में उनको उनकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ, उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और स्पीकर के साथ वहाँ लंच भी है। उसके बाद दोपहर में 3 बजे उनकी 1-to-1 मीटिंग है तमाम CEOs के साथ, दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। और मैं आपको बता दूं कल ही प्रोफेशनल डायस्पोरा इवेंट भी है, कल ऐसे दो इवेंट हैं, एक तो कम्युनिटी इंटरेक्शन है जो शाम को 4 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा यहाँ पर, और एक छोटा इवेंट है प्रोफेशनल डायस्पोरा इवेंट है जहाँ जो भारत के प्रोफेशनल्स हैं वो इनसे आकर मिलेंगे। तो कल कुल मिलाकर पूरा दिन मुझे लगता है बिजनेस कम्युनिटी और इंडियन डायस्पोरा से मिलने का है, और वो भी काफ़ी भारत प्रधानमंत्री मोदी के स्टेचर और उनके न्यू इंडिया के कंसेप्ट में कैसे जोड़ना है इनको, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें ज़रूर कल सामने आने वाली हैं। सौरभ जी का मैं इस वक्त रुख करूंगी। सौरभ जी, ये पहली दफा नहीं है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए हैं, 2014 से लेकर अभी तक जो ये सिलसिला है वो थमा नहीं है, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चा हुई, इस बार जो हमने गर्मजोशी देखी और इस बार जो अभी तक के दौरे में आपने देखा, सबसे खास पहलू क्या था? देखिए, 3 चीज में बताऊंगा। पहली बात, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत कभी पहले नहीं हुए। जैसे कहते हैं कि ये एक बेस्ट फेज है रिलेशनशिप का, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से बहुआयामी रिलेशनशिप है वो एक उभर के आया है। तीसरी बात, भारत की जो विश्व शक्ति के रूप में साख है वो बढ़ के आई है, जिस तरह से यहाँ पर चाहे वो व्हाइट हाउस में उनका स्वागत हुआ हो, जहां एक प्राइवेट डिनर में हुआ हो, आज स्टेट डिनर हो रहा है, चाहे अमरीकी कांग्रेस में स्वागत हुआ हो और चाहे बायलैटरल टॉक्स में, वो उभर के आया है कि भारत का दबदबा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में और ज़्यादा स्थापित हुआ है, और अमरीका और भारत के जो रिश्ते हैं वो कैसे विश्व को प्रभावित करेंगे और दोनों देशों के लोगों को प्रभावित करेंगे, उसकी एक बड़ी नींव रखी गई है आगे के 10 साल के लिए, जो कि ग्रेटर गुड का काम करेगी और कई और जो भारत के दुश्मन हैं उनको भी कड़ा एक सख्त मैसेज जाता है कि अब जो ये मान के चलें कि भारत और अमेरिका जो हैं वो कई मुद्दों में साथ साथ खड़े होंगे, और चाहे डिफेंस हार्डवेयर की बात हो, चाहे ड्रोन्स की बात हो, चाहे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, चाहे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हो, वो दोनों देश मिलकर विकसित करेंगे
अपनी भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, और उसके अंदर उसका डिफेंस जो एक जिसे कहते हैं ना कि डिफेंस यूज है, उसको भी मिलकर करेंगे। तो ये कड़ा मैसेज चीन को भी जाता है और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं जिनका उन्होंने नाम अच्छा हुआ नहीं लिया, क्योंकि ऐसे देश का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही खराब हालत में है। पर और भारत जहाँ खड़ा है वो ये देश उसका मुकाबला नहीं कर सकते। भारत को चीन जहाँ है, चीन का इंडो पैसिफिक का उन्होंने साफ करके बात कह दी कि इंडो पैसिफिक जो है वो एक वहाँ पर फ्रीडम होना चाहिए, इंडो पैसिफिक के जो देश हैं उन पर किसी भी देश की दादागिरी नहीं चलेगी। ये बात राष्ट्रपति बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पे सहमति जताई है, और इस पर आप देखिए और भी पुरजोर तरीके से दोनों कोऑपरेट करेंगे। अमिताभ जी, क्या आप मानते हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में गुजरात की सियासत से निकलकर, राज्य सियासत से निकलकर राष्ट्रीय सियासत में अपना कदम रखा बतौर प्रधानमंत्री, उसके बाद से उनका फिर ये सफर अमेरिकी दौरे को लेकर, खासतौर से अमेरिकी दौरे को लेकर जब शुरू हुआ, हर बार उनका स्वागत बहुत सम्मान के साथ किया गया, चाहे वो बराक ओबामा से मिले, डोनाल्ड ट्रंप से मिले, जो बाइडन से यहाँ पर मिले। भले ही पिछले दो दशकों में प्रधान राष्ट्रपति अमेरिका में बदले गए हों, लेकिन हमने देखा हिंदुस्तान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बढ़ती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब अमेरिकी दौरे पर गए उनका सम्मान किया गया, महत्वपूर्ण समझौते हुए, महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर बढ़ाए गए। वहां से लेकर अब तक का सफर, हिंदुस्तान की मजबूती को आप किस लिहाज से देखते हैं आज की तारीख? देखिए देखिए आज की तारीख में इतना तो तय है और साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिनकी बातें दुनिया सुनती है, दुनिया के देश सुनते हैं। अगर राष्ट्रपति मैक्रों, अगर फ्रांस उनको न्योता दे रहे हैं 14 तारीख को, 14 जुलाई को अगर वहाँ आने का वहाँ के स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर यहाँ राष्ट्रपति बाइडेन उनको न्योता दे रहे हैं रात्रि भोज का, यहाँ की यूएस की कांग्रेस उनको न्योता दे रही है, वहाँ अगर तमाम सांसदों को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट के सांसदों को संबोधित करने का, यह भी बहुत बड़ा मौका है। मैंने पहले भी बोला था कि दो बार एड्रेस करने वाले उन चंद गिने नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं में हैं, और प्रधानमंत्री ने आज चुटकी भी ली थी कि आज दूसरी बार आ रहे हैं वो एड्रेस करने के लिए। उनसे ज्यादा बार तो सिर्फ नेतन्याहू जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं वो 3 बार भाषण दे पाए हैं ज्वाइंट एड्रेस को, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो जिस तरह से आज स्टैंडिंग ओवेशन मिले हैं, 15 बारी सांसद, सारे के सारे सांसद उस हाउस में खड़े थे, हम लोगों ने ऊपर से देखा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, जहां हम लोगों ने प्रेस गैलरी से ऊपर से देखा कैसे लोग स्वतः तालियां बजाकर उनको कोई, और अमेरिकी सीनेट के लोग हैं, अमेरिकी सांसद हैं, उन्हें जब तक भाषण पसंद नहीं आएगा, ये बड़े हार्ड बार्गेनर्स होते हैं, उनको विट पसंद है, उनको ह्यूमर पसंद है, नेता की ओरेटरी को देखकर वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की वाक्पटुता ही नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी कूटनीति को, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी शैली को यहाँ पर दिखाया है, ताकि अमेरिकी संसद में उनका सपोर्ट और बढ़ता जाए। और अमेरिकी संसद में सपोर्ट बढ़ेगा तो प्रधानमंत्री की, बाइडेन से वैसे भी अगर दूरियां काफ़ी कम हो चुकी है, वैसे भारत और अमेरिका के बीच में दोनों एक दूसरे को सबसे बड़ा सैन्य सहयोगी एक दूसरे को बता रहे हैं, और बाइडेन तो इकोनॉमिक पार्टनर बता चुके हैं आज सुबह भारत को, तो प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है कोरोना के बाद एक विश्व नेता के रूप में उभरी है। और मुझे लगता है कि एक विश्व नेता के रूप में उभरने के बाद आज उन्होंने एक बहुत बड़ा जो अपील की है इस यूएस कांग्रेस को एड्रेस में, वो थी कि अफ्रीकन यूनियन के देशों को G20 में शामिल किया जाए। इतनी तालियां बजी हैं, जितने एम्बेसडर्स वहां आए हुए थे अफ्रीका के देशों के, वो सारे खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे प्रधानमंत्री को, सारे सीनेट के लोग खड़े हो गए थे। तो अफ्रीका के पिछड़े देशों को G20 का मेंबर बनाने की बात करके प्रधानमंत्री ने सबका, उन देशों का भी दिल जीता है जिन्हें गरीब देश कहा जाता है, जिन्हें पिछड़ा देश कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री ने ट्रूली एक ग्लोबल लीडर की तरफ से आज भारत उनकी कोशिशों से SCO का भी मेंबर है, G20 में भी सदस्य है, ब्रिक्स में भारत है, अगर G7 के देश होते हैं वहाँ स्पेशल इन्वाइटी प्रधानमंत्री होते हैं, तो हर जगह उनको तवज्जो मिल रही है। तो ये भारत की बढ़ती ताकत नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक बड़ा बाजार है भारत, जिसको आवाज़ दे रहे हैं प्रधानमंत्री और दुनिया में उसको इस्टेब्लिश कर रहे हैं भारतीयों के मान को और भारत की ताकत को। और विश्व नेता अगर बोलता है तो ठीक ऐसे ही बोलता है जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री ने बोला, और जैसे वो दूसरे यानी पिछड़े देश जो हैं, जो छोटे देश हैं जिनकी बहुत बड़ी पहचान नहीं है, उसको भी वो चाहते हैं कि वो उस कतार में आके खड़े हो
जहां से वो हम सभी के साथ यानी ताकतवर देशों के साथ कदम ताल कर सके। इस वक्त एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, फिर गेस्ट के पास भी जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ हुए जेट इंजन की डील को ऐतिहासिक करार दिया है और इस डील के तहत अमेरिका की कंपनी जीई भारत को जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देखिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है जो रक्षा क्षेत्र में हिंदुस्तान की एक बड़ी कामयाबी की तरफ इशारा ही नहीं करता है बल्कि अब उसे और दमदार बनाने की तरफ एक ऐसा कदम जिसे एक बड़ा समझौता मेगा डील कहना इसे गलत नहीं होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन सीधे हम सौरभ जी का भी रुख करेंगे। इस वक्त करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है। तो भारत को अमेरिका जो जेट इंजन की टेक्नोलॉजी देगा जिससे तेजस लड़ाकू विमान का नया वर्जन लेस हो जाएगा। अब भारत में बनाया जाएगा अमेरिका का जेट इंजन। इस इंजन से तेजस का मार्क 2 वर्जन उड़ान भरेगा और मुमकिन है कि AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी उड़ान भरे, जो भारत का पहला स्टेल्थ फाइटर होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिका की कंपनी जी यानी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच एक करार हुआ है। इसके तहत अमेरिका का जेट इंजन GEF-414 भारत में बनाया जाएगा। इसके लिए अमेरिका 80% तक तकनीक HAL यानी भारत को देगा। भारत इस इंजन से अपने लड़ाकू विमानों को लैस करेगा और समझौते के तहत ऐसे तेजस मार्क 2 के लिए ऐसे 99 इंजन भारत में बनाए जाएंगे। तेजस में अभी इस इंजन का पुराना वर्जन या कहें कि कम ताकत वाला पावर प्लांट इस्तेमाल हो रहा है। तेजस मार्क 2 बड़ा जहाज होगा, इसलिए उसके लिए बेहतर इंजन की जरूरत है, लिहाजा अब GEF-414 को इसके लिए चुना गया है। अभी ये इंजन अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट में लगा है और स्वीडन का ग्रिपन फाइटर भी इसी इंजन से लैस है। अब तेजस के मार्क 2 के साथ एमका को भी अमेरिका के इसी इंजन से पावर दिए जाने की तैयारी है और ये स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट एमका को और रफ्तार दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत इससे पहले अपना खुद का जेट इंजन बनाने की कोशिश कर चुका है और तेजस को भारत में ही बने कावेरी इंजन से लैस करने की योजना शुरुआत से रही थी, लेकिन कावेरी इंजन कामयाब नहीं हुआ और उसके बाद अमेरिका के इंजन से इसे लैस करना पड़ा। इस डील की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ग्लोबल टॉक का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका का दौरा चाहे कोई भी लीडर क्यों ना करे, पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है क्योंकि यहीं से वैश्विक एजेंडा तय होता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बात इस वक्त पूरी दुनिया की हर बड़ी कैपिटल सिटी में हो रही है। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है, इस पर रूस की नजर है, इस पर इजराइल, ईरान, पाकिस्तान और सबसे बड़ी निगाहें तो चीन की भी है, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती के बहुत बड़े मायने हैं। दोनों देशों के बीच हुई इस डील का फायदा भारत और अमेरिका दोनों को बराबरी का होगा और नुकसान में दोनों देशों के प्रतिद्वंद्वी ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक टर्निंग पॉइंट लाने जा रहा है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की नई राह तैयार कर रहा है, दुनिया का एजेंडा सेट कर रहा है और इससे जाहिर है भारत के दुश्मन बहुत ज्यादा बेचैन है। इस वक्त भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन यानी मिलकर हथियार बनाने का मुद्दा है। स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पार्टनरशिप की बात है और संचार के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक सेक्टर जैसे क्षेत्र हैं जहां संबंधों को और मजबूत बनाया जा रहा है। भारत और अमेरिका डिफेंस समेत कई खास टेक्नोलॉजीज पर मिलकर काम करना चाहते हैं, जहां दोनों की पार्टनरशिप एक मिसाल बन जाए। भारत और अमेरिका अब एक दूसरे की मदद करके सामरिक साझेदारी को और भी मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की यात्रा से पहले ही बहुत ही जरूरी मुद्दों पर होमवर्क हो गया था। वैसे 2007 के बाद से ही दोनों देशों में परमाणु संधि समेत कई सामरिक करार हुए हैं। 2014 के बाद इसमें और रफ्तार आई है, दोनों देशों के बीच बिजनेस भी अब ऑल टाइम हाई हो चुका है। इट्स द यूएस गवर्नमेंट्स वे ऑफ सेइंग वी आर गोइंग टू गिव यू दिस टेक्नोलॉजी, वी बिलीव यू आर ट्रस्टवर्दी एंड वी बिलीव इन योर राइज इन योर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक राइज एंड सो वी आर विलिंग टू डू दिस फॉर यू। सो आई थिंक इट्स अ बिग बेट फ्रॉम द अमेरिकन साइड। अब भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका से ही होता है और यही वजह है कि दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी का रिश्ता और अहम हो जाता है।